अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, सब खैर वाफियत से होंगे, जितने भी भाई हों जितनी बहनें हैं मेरी। सही है, अभी आए थे हम मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मार्केट में हमारे पास कुछ एरियाज हैं, वो एरियाज को मैं अभी आपको, जैसे हम प्रीवियस कर रहे थे काम, अभी उस सिचुएशन के हिसाब से हम काम करेंगे। सही है, यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी रेंज। सिंपल ट्रेडिंग का तरीका है, हमें लगानी है H1 पे रेंज। H1 पे हम रेंज लगा के देखेंगे, जिस भी तरफ बाइंग साइड या सेलिंग साइड, जिस साइड भी ये रेंज ब्रेकआउट होगी हमें उस साइड ट्रेड लेनी है। सेलिंग साइड का मैं आपको बताता हूँ, सेलिंग साइड का कौन सा एरिया है। सेलिंग साइड का हमारे पास एरिया है, सेलिंग साइड का हमारे पास एरिया है 1750 का। 1750 से आप यहाँ से अगर ब्रेक होती है तो यहाँ से आप सेल ले सकते हैं। फिर आप जो है 1745 पे देखेंगे, अगर 1745 पे कोई बाइंग कैंडल फॉर्मेशन बनती है तो वहाँ से फिर अपनी सेलिंग ट्रेड को क्लोज करके वहाँ से बाइंग में बैठ सकते हैं। बाइंग का एक अच्छा लेवल है, लेकिन मुझे लग रहा है ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। सही है, एक ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारे पास 57 to 58 का एक एरिया है। सही है, इस एरिया को जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है, लाइन लगा देता हूँ मैं आपके पास, इस एरिया को जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है यहाँ से हम बाइंग में बैठ जाएंगे। मार्केट में न्यूज़ भी हैं, लेकिन हम इस तरीके से काम करेंगे तो हम अच्छे प्रॉफिट में ही रहेंगे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अगर हम करेंगे काम। सही है, तो ये कुछ लेवल्स हैं, कुछ ट्रेड्स हैं। आपका टारगेट होगा, SL होगा आपका 50 पिप्स का और TP आपका होगा 100 पिप्स का। और बाकी जितने ही भाई हैं, जिन लोगों को मेरे मार्केटर क्लब में आना है, मेरे साथ जुड़ के प्राइवेट ट्रेडिंग करनी है, प्राइवेट में रूम में आना है, ट्रेडिंग रूम में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रात 8 से रात 10 बजे का दरमियान में आप कॉल कर सकते हैं। आगे जाके ये टाइम जो है, ये टाइम भी हम कम कर देंगे, रात 9 से रात 10 बजे की टाइमिंग कर देंगे। तो जितने भी भाई हैं वो अभी मुझे जल्द अज जल्द कॉन्टैक्ट कर लें, कॉल कर लें मुझे, ताकि उन्हें अपने मार्केट रीटर क्लब में मैं एंटर कर लूँ। सही है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं आपको मार्केट रीटर क्लब में आने के लिए। आपको सिंपल मुझे क्या करना है, अपना नेम, नंबर, ईमेल और जिस भी ब्रोकर में आपका अकाउंट है उस ब्रोकर नेम और आपका जितना भी अकाउंट साइज है, आप मुझे ये मैसेज कर देंगे। सही है, और आपने सिंपल लिखना है मार्केट रीटर क्लब में ऐड कर दें, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें, आपको खुद ही कॉल करके मैं आपको तरीकेकार बता दूंगा। सही है, तो ये सारे सिनेरियो हैं गोल्ड के। गोल्ड ने अभी इस एरिया में जो है प्रॉपर पूरी दुनिया को सेलिंग दिखाई, प्रॉपर सेलिंग ट्रेंड भी था, लेकिन हुआ क्या हुआ, बेसिकली ये कि यहाँ पे बीच में इस जगह जो है स्मार्ट मनी आ गई और स्मार्ट मनी ने मार्केट को काफ़ी सारे सेलर्स को नुकसान पहुंचाया। इस एरिया में आ गई स्मार्ट मनी और स्मार्ट मनी ने अच्छा खासा लोगों को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, अभी जो है, अभी सिनेरियो ये है कि अगर हम D1 में देखते हैं तो D1 के हिसाब से भी ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ है, D1 के हिसाब से भी ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ है, D1 के हिसाब से ये रिट्रेसमेंट है D1 की। सही है, एक दफ़ा अगर ये वाले लेवल भी ब्रेक हो गया, जो हमारा 58-59 वाला एरिया, अगर ये एरिया ब्रेक हो गया, ऊपर कैंडल क्लोज हो गई D1 की आज की, तो उसके बाद फिर हमारी सेलिंग में थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, क्योंकि ये अभी सेलिंग की रिट्रेसमेंट एरिया है D1 के हिसाब से। बाकी H4 में देख लेते हैं, H4 क्या हमें सिनेरियो दिखा रहा है। H4 तो अभी भी हमें सेलिंग ही दिखा रहा है, क्योंकि H4 ने अभी प्रॉपर बाइंग स्टार्ट नहीं करी है। सही है, H4 को बाइंग स्टार्ट करने के लिए 68 के ऊपर क्लोज होना होगा, मतलब 70 के ऊपर क्लोज होना होगा, तो H4 में बाइंग हो जाएगी। H1 में क्या सिनेरियो है, H1 में हमें बाइंग दिखाई है मार्केट ने, लेकिन ट्रेंड अभी कंफर्म नहीं करा है। ट्रेंड कंफर्म करने के लिए एक लो बनाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा हाई जब बनेगा तब ट्रेंड कंफर्म होगा। सही है, बाकी टाइम फ्रेम्स में ऐसा कुछ हमें नहीं दिख रहा है, बाकी टाइम फ्रेम में हमें थोड़ी वोलेटिलिटी दिख रही है। अभी करंट मार्केट में रेंजिंग दिख रही है। सही है, तो ये कुछ आज की ट्रेड्स हैं। उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई हैं मेरे, इन ट्रेड से अच्छा प्रॉफिट्स बनाएंगे, जैसे प्रीवियसली सबने बहुत अच्छा प्रॉफिट्स बनाए,
सही है। और किसी का कोई भी हो तो सवाल जवाब आपको मैं मिल नहीं रहा हूं, तो आप क्या करें, आप जस्ट सिंपल गूगल पर जाएं, वजाद हुसैन बिगबुल लिखें, आपको सारे मेरे सोशल मीडियम दिख जाएंगे, उसमें फिर जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।